Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Literary Journeys and English Reader for Class 3 Bright Brain Road Publications. Alright, so today we are going to start with chapter number 9, that is Tenali Raman and the Thieves. Tenali Raman एक बहुत ही बड़े विदूषक थे, ठीक है? वो बहुत इंटेलिजेंट थे और अपनी बुद्धि के बल पे उन्होंने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी एक अलग जगह बना रखी थी. आप सभी ने तेनाली रामन की कहानियाँ पढ़ी भी होंगी और देखी भी होंगी टीवी पे, राइट? तो आज हम उन्हीं की एक कहानी पढ़ते हैं कि किस तरह से तेनाली रामन ने चोरों को पकड़ा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तेनाली रामकृष्णन और तेनाली रामन ऑफ आंध्र प्रदेश, गोपाल भाड़ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड राजा बीरबल ऑफ आगरा वर नोटेड फॉर देयर ब्रिलियंस एंड विट. ये सभी इंसान, तेनाली रामन, बीरबल, गोपाल भाड़, ये सभी अपने अपने राज्यों में, अपने राजा के राज दरबार में बहुत ज़्यादा फेमस थे. और जो चीज़ इनकी कॉमन थी वो क्या थी? वो ये थी कि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे. इन्हें बुद्धि में हराना बहुत मुश्किल था. ये अपनी चतुराई से इजीली किसी भी समस्या का हल निकाल देते थे और इसी की वजह से लोग इनसे बहुत ज़्यादा जलते थे. पीपल यूज़ टू क्रिएट ट्रबल फॉर देम, यानी कि उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर देते थे. अब यहाँ पे तीन पिक्चर्स दी हुई हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स. So children, this is the picture of Birbal, this is the picture of Tenali Raman and this is the picture of Gopal Bhad. Tenali Ramakrishnan was a Telugu poet who is generally known for his wit. वो एक तेलुगु कवि थे जो अपने बुद्धि के लिए और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं. He was one of the 8 poets at the court of Krishnadev Raya of Vijayanagar. South में विजयनगर kingdom बहुत popular है जो कि जिस पर कृष्णदेव राय राज करते थे. और राजा कृष्णदेव राय का जो दरबार था उसमें ये तेनाली रामन जो हैं अपनी बुद्धि की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. और साथ ही में उनके दरबार में और 8 कवि थे. तेनाली रामन भी उन 8 कवियों में से एक थे, ठीक है? हेयर इज़ वन ग्रेट स्टोरी अबाउट तेनाली रामन. आज हम तेनाली रामन की एक कहानी पढ़ेंगे एंड दिस स्टोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले. ये एक नाटक के फॉर्म में है, एक डायलॉग कन्वर्सेशन के फॉर्म में है. ऑलराइट. तेनाली रामन्स गार्डन. टू थीव्स आर लर्किंग इन तेनाली रामन्स गार्डन इन द शैडो बिहाइंड द ट्रीज. तेनाली एंटर्स. अब तेनाली के गार्डन का सीन है. वहाँ पे दो चोर जो हैं छुपे हुए बैठे हैं पेड़ों की झाड़ियों के पीछे और इतने में तेनाली गार्डन में एंटर करता है. तेनाली सेज, ओह लुक एट दैट, द प्लांट्स आर ऑल ड्राइंग अप, इट हैज़न्ट रेन्ड ऑल दिस समर, आई टू हैव बीन बिजी एट द कोर्ट एंड डिडंट हैव टाइम टू वाटर द प्लांट्स. सो तेनाली बागीचे में घुसा और जब उसने बागीचे में चारों तरफ देखा उसने कहा ओह ये तो बड़ी मुश्किल है, चारों तरफ जो है प्लांट्स सूख रहे हैं, इनको वाटर नहीं हुआ है, ये तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्या किया जाए. टुमोरो आई मस्ट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड वाटर द गार्डन. उसने कहा कि कल मुझे कुएं से पानी निकाल के सारे बागीचे को वापस से पानी देना पड़ेगा. ही सडनली स्पाइज टू डार्क फिगर्स लर्किंग इन द शेडोज. तेनाली रामन स्टिफन्स फॉर अ मिनट. अब इतने में तेनाली की नज़र जो है उन छुपे हुए चोरों पर पड़ती है. कुछ देर के लिए तो वो डर जाते हैं लेकिन क्योंकि तेनाली बहुत इंटेलिजेंट थे तो वो बहुत ही शांति के साथ काम करते हैं. तेनाली सेज, थीव्स दे डोंट नो आई हैव सीन देम, वेल 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 लेट मी पुट देम टू वर्क. अब तेनाली मन ही मन सोचते हैं चोरों को नहीं पता कि मैंने उन्हें देख लिया है, एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं चोरों से ही थोड़ा सा काम करवाऊँ, ये लोग चोरी करने आए हैं ना, इनसे ही काम करवाता हूँ. वाइफ, Is that you, Raman? Your dinner is ready. I'll warm it up for you. To her surprise, instead of coming towards the kitchen, Tenali Raman goes and stands near the window. तो तेनाली की जो वाइफ है वो एकदम से बुलाती हैं उनको और वो कहती है क्या आप हैं रमन, क्या आप ही हैं बाहर.
डिनर रेडी हो गया है, आप अंदर आ जाइए और जल्दी से खाना खा लीजिए। तो रमन क्या करते हैं, अंदर जाने की जगह खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तेनाली अपनी वाइफ को ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, उनसे ज़ोर ज़ोर से बताते हुए कहते हैं, माई डियर आई हैड अ बिजी डे एट द कोर्ट टुडे। देयर वॉज अ टॉक इन दैट सिटी इज़ रिटन विद थीव्स। दीज थीव्स एंड रॉबर्स हैव बीन स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम पीपल्स हाउसेज। पीपल हैव बीन वॉन्ट टू लॉक अप देयर वैल्यूएबल्स। इवन अवर हाउस मे नॉट बी सेफ फॉर देम। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। अब तेनाली ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अपनी बीवी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बताया, प्रिय सुन रही हो, घर में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उनको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, कहीं छुपा देना पड़ेगा। आज तो मैं बहुत बिजी था दरबार में, चारों तरफ शहर में एक ही बात फैली हुई है कि कुछ चोर जो है जगह जगह शहर में डाका डाल रहे हैं और सब लोगों की कीमती चीज़ें चुरा रहे हैं। हमें अपनी कीमती चीज़ों को बचा के कहीं पे छुपा देना पड़ेगा। वाइफ, ओ डियर व्हाट शैल वी डू, आई समटाइम्स इवन फॉरगेट टू लैच द डोर एट नाइट टिल वी गो टू स्लीप। अब तेनाली की पत्नी काफ़ी चिंतित हो गई, उन्होंने कहा क्या किया जाए, मैं तो कई बार जो है रात को दरवाज़ा भी लगाना भूल जाती हूँ, ऐसे तो चोर बहुत आराम से हमारे घर के अंदर आ जाएंगे। तेनाली, माई डियर पुट ऑल अवर गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर वेयर एंड मनी इन द ओल्ड बॉक्स एंड आई विल थ्रो इट इन टू द वेल दिस इवनिंग। दे विल बी सेव देयर, नो थीव विल थिंक ऑफ लुकिंग अवर वैल्यूएबल्स इन द वेल। देयर आर टू थीव्स हाइडिंग इन द शेडो आउटसाइड, आई वॉन्ट टू फील फूल देम। फिल द ओल्ड ट्रंक विथ समथिंग हैवी एंड आई विल ड्रैग इट टू द वेल। इट मस्ट मेक अ लाउड स्प्लैश वेन आई थ्रो इट वेल। सो तेनाली ने चिल्ला के कहा, तुम ठीक कह रही हो, क्यों ना एक काम करें, एक काम करो, एक बड़ा सा संदूक लो, उसमें सारे हमारे जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, सिल्वर क्रॉकरी है और इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल आइटम्स हैं, उन सबको उसमें भर दो। मैं रात को चुपके चुपके जाऊंगा और ये संदूक कुएं में डाल दूंगा, चोरों को पता भी नहीं चलेगा कि संदूक में भी कोई कुछ, मतलब संदूक को कुएं में डाल के कोई छुपा के रख सकता है। फिर वो धीरे से अपनी वाइफ के थोड़ा और नज़दीक गए और बहुत ही धीरे स्वर में उनको बताया कि देखो, दो चोर ऑलरेडी गार्डन में हैं, मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम संदूक यानी ट्रंक में कुछ भी भारी भारी सामान भर के रख देना, जब मैं उसे कुएं में डालूँ तो ज़ोर की आवाज़ होनी चाहिए। वाइफ, यस लेट इज़ हाइड ऑल ऑफ आवर वैल्यूएबल्स इन द वेल, दे विल बी सेफ देयर, आई थिंक इट विल बी आइडियल। अब तेनाली की वाइफ भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा चतुर थी, इंटेलिजेंट थी, उन्होंने भी तेनाली का साथ देते हुए हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने भी ज़ोर ज़ोर से कहा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमन, एक काम करते हैं, हमारी जितनी भी महंगी चीज़ें हैं उसको भर के आप रात को कुएं में डाल आइए। और वो क्या करती हैं, वो अपने किचन में से जितनी भी भारी भारी सामान है जैसे सिल बट्टा, पत्थर के टुकड़े, वो सब ट्रंक में भर देती हैं। अब तेनाली के गार्डन में तेनाली और उसकी पत्नी धीरे धीरे रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे वो जो ट्रंक है उसको खींच खींच के कुएं तक लेके आते हैं और फिर उसको कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालते ही बहुत तेज़ से आवाज़ होती है, तेनाली रामन डू नॉट टेल एनीवन दैट वी हैव पुट अवर ऑल वैल्यूएबल्स एंड मनी इन द वेल। इफ सम थीव्स हियर दिस दे विल रॉब अस एवरीथिंग। There, our valuables are safe now. No one knows they are in the well. Now for a good night's sleep. So finally, Tenali सारी चीज़ें कुएं में डालकर अपनी पत्नी से बोलता है ज़ोर से, ताकि चोर जो छुपे हुए हैं वो सुन लें। उनको सुनाते हुए Tenali बोलता है, देखो ध्यान रखना, गलती से भी किसी के सामने नहीं कहना कि तुमने अपनी सारी चीज़ें जो हैं कुएं में डाल दी है। अगर किसी को पता चल गया तो चोर आकर इन सबको लूट के लेके जाएंगे। अब चलो, रात काफ़ी हो गई है, सोने चलते हैं। अब तेनाली और उसकी पत्नी जब घर के अंदर चले जाते हैं तो दोनों जो छुपे हुए चोर हैं वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। पहला चोर हंसने लगता है और अपने दूसरे चोर से कहता है, हा 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 दैट इज़ वॉट यू थिंक। ओ तो तेनाली, तुम ये सोच रहे हो कि तुम सबको बेवकूफ़ बना दोगे।
दूसरा चोर कहता है, लिटिल डू दे नो वी हैव हर्ड एंड सीन एवरीथिंग। दूसरा चोर कहता है, इन्हें तो पता ही नहीं कि हम कब से यहाँ छुपे बैठे हैं और सब कुछ सुन लिया है। आज रात तो इनके घर का सारा सामान हम ले जाएंगे। थीफ वन, दे हैव गॉन टू बेड, इट्स सेफ टू कम आउट नाउ। अब इन लोगों ने खिड़की से झांका और देखा कि ये लोग ऑलरेडी आराम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो अपने साथी चोर से कहता है, आ जाओ बाहर आ जाओ, ये लोग तो सोने जा रहे हैं, अब हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। थीफ टू, हा हा हा, लेट अस गेट टू वर्क। अब दोनों कुएं के पास जाते हैं और कुएं से सामान निकालने के लिए तैयारी करने लगते हैं। देयर डजंट सीम टू बी मच वाटर इन द वेल, गुड, दिस विल मेक अवर वर्क ईजियर। अब दोनों कुएं में झांक कर देखते हैं, कुएं में बहुत सारा पानी नहीं है, तो दोनों चोर एक दूसरे की तरफ खुश होकर बोलते हैं कि ज़्यादा पानी भी नहीं है, जल्दी से सारा पानी निकालते हैं और फिर हमें संदूक मिलेगा, हम संदूक निकाल लेंगे। और दोनों इस तरह से क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी निकालना शुरू कर देते हैं। कई घंटों तक पानी निकालने के बाद फाइनली उन्हें उनके जो है ना कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन उन्हें कहीं संदूक दिखता नहीं है। पहला चोर दूसरे चोर से पूछता है, ओह माई पुअर बैक, ओ इट हर्ट्स, कैन यू सी द ट्रंक, अरे मेरी तो कमर ही दुख गई, अरे तुम्हें भाई तुम्हें ट्रंक दिख रहा है क्या। दूसरा चोर भी परेशान, वो कहता है, नॉट येट, वी मस्ट नॉट गिव अप नाउ, कम ऑन, इट्स गेटिंग लेट, लेट अस ड्रॉ वाटर आउट फ्रॉम द वेल, देन वी कैन टेक आउट द बॉक्स ऑफ गोल्ड। तो दूसरा चोर कहता है, अरे और कुछ देर की बात है, थोड़ा और पानी निकालो, संदूक दिखने लगेगा, एक बार संदूक निकल गया फिर हमारी जिंदगी भर की परेशानी खत्म, लेके भाग चलेंगे, चलो चलो थोड़ा सा मेहनत करो। फिर से वो लोग पानी निकाल निकाल के खेतों में डालते जाते हैं, पूरे बागीचे में पानी 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 हो जाता है। रमन यही तो चाहता था कि सारे खेतों में और सारे बगीचे में पानी चला जाए। तेनाली टू हिज वाइफ, हा हा, आई थिंक द पुअर फूल्स हैव डन एनफ वर्क नाउ, इट्स टाइम आई रिलीव देम। ही क्वाइटली वर्क्स अप टू द टू थीव्स, थैंक यू माई गुड मैन, यू हैव डन अ गुड जॉब ऑफ वॉटरिंग माई प्लांट्स। सो फाइनली तेनाली खिड़की के बाहर से सबको देखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना पानी हो गया कितना नहीं हुआ। अब फाइनली जब तेनाली खिड़की से देख लेता है कि सारे खेत में पानी जा चुका है, तब वो बाहर निकल के आते हैं और चोरों को कहते हैं, बस बस रुक जाओ, बहुत मेहनत कर ली है, अब थैंक यू देने का वक्त है, आप दोनों का धन्यवाद कि आपने मेरे पेड़ पौधों को पानी दे दिया। तेनाली को देखते ही दोनों चोर डर जाते हैं और रस्सी छोड़ के वहाँ से 9-2-11 यानी भाग जाते हैं। वाइफ, शी कम्स आउट एंड स्टैंड नियर्स रमन, हा हा, सी देम रन। तेनाली, हे यू टू, यू मे कम अगेन नेक्स्ट वीक एंड वाटर माई गार्डन। सो जो पत्नी है वो भी आ जाती है, अरे अरे देखो देखो चोर भाग रहे हैं, तो तेनाली चिल्ला के बोलते हैं, अरे अरे सुनो सुनो रुको, अगले हफ्ते फिर आ जाना मेरे खेतों को पानी डालने। तेनाली की बात सुन के चोर और ज़्यादा घबरा जाते हैं और तेज़ी से भाग जाते हैं। तो देखा बच्चों, हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके कभी कभी मुश्किल से तो बच ही सकते हैं और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स। Spies means people who secretly gather their and report information. Latch means to lock a door. Lurking means to wait or to move in a secret way to cause harm. Companion means a person with whom you spend a lot of time. Grinding means rubbing. ठीक है? Ridden means full of something unpleasant, मतलब किसी चीज जो हमें पसंद नहीं है उससे भरा हुआ। Relieved mean detracted, मतलब शांत होना, हल निकलना। Frightened means scared, डर जाना। ठीक है? Now it's time to do the question answers. Let's do them quickly. Multiple choice questions. The plants in Tenali's garden were drying up. क्यों सूख रहे थे पेड़ पौधे? The summer had been very hot. There was no water in the well. Tenali had no time to water them. Tenali had no one to water the plants. Tenali had no time to water them. Okay? Tenali ke paas itna time hi nahi tha ki wo pani de sake. Wo bahut busy tha aur isiliye nahi de paya. Second, the thieves were hiding in bedroom, kitchen, garden, court. Chor garden mein chupe hue the. Next,
Tenali and his wife put the dash in old box. Clothes, valuables, a grinding stone, food. एक बड़ा सा सिलबट्टा ग्राइंडिंग स्टोन किचन में से लेके ट्रंक में डाल दिया था. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now let's do the fourth question. The fourth question says the thieves decided to draw water from the well to take out the box out from the well. What are the plans? See the valuables, pass their time. So A option is correct. उनका तो ये aim था कि कुएं में से पानी निकालेंगे तो वो संदूक दिखेगा और उस संदूक को वो छुपा के ले जाएंगे. Fifth, how did Tenali Raman trick the thieves? By calling the police, by setting traps, by pretending to throw valuables into the well, by catching them red-handed. So, by pretending to throw the valuables in the well. All right? Exercise number B. Fill in the blanks using the help box. Tenali said that dash are all drying up. Tenali ko kya laga ki sab kuch dry up ho raha hai. Kya dry up ho raha hai? Tenali ne dekha ki plants dry up ho rahe hain. Dekho, help box mein words diye hue hain. Hame unhi se fill karna hai. To plants are drying up. Plants jo hai wo sukh rahe hain. Theek hai? Second, Tenali said to his wife that the city is dash with thieves. The city is ridden with thieves. बहुत सारे जो है चोर शहर में इधर उधर घूम रहे हैं. Tenali said to put the gold jewelry, silverware and money in an old box. एक पुराने से संदूक में बक्से में जो है सारे valuables को भरने के लिए Tenali ने कहा. Next, the two thieves began to draw water out of the well. कुएं में से पानी बाहर निकालने लगे. Fifth, Tenali Raman peeps out of the, कहाँ से पीप कर रहा था वो? Peeps out of the window. खिड़की पे से बाहर देख रहा था. ठीक है? So children, I hope that you have noted all these answers. Now let's move further. आगे बढ़ते हैं. Exercise number C. ठीक है? Exercise number C. Write T for true and F for false for the following statements. हमें इन statements को पढ़ना है और फिर बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन से गलत है. तो आइए शुरू करते हैं. Four thieves were lurking in Tenali Raman's garden. No, this is false. Only two thieves were lurking, so this is false. The plants were all drying up. Yes, this is true. Tenali and his wife put all the valuables in locker and almirah. क्या उन्होंने locker और almirah में कुछ रखा था? No, this is false. The thieves drew water from the well. क्या thieves ने पानी निकाला कुएं में से? Yes, true. And last, the thieves found all the valuables at last and happily ran from there. No, this is false. उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया क्योंकि उससे पहले ही Tenali बाहर आ गए थे. Okay? Now children, exercise number D is you have to do the question and answers. This you will do on your own. ये आप लोग खुद करेंगे. ठीक है? जैसे why did Tenali Raman decide to draw water from the well? Because he wanted to water the plants. Second, why were the people want to lock up their valuables? They were warned because two thieves were roaming in the city. Why did Tenali Raman and his wife put a grinding stone in the old box? They put a grinding stone in the old box so that the thieves would believe that the object in the box is very heavy. When Tenali will pull the box, the thief who are watching them secretly will feel that actually there are valuables inside the box. Fourth, how was Tenali Raman's garden watered? Tenali made a plan to water his plants. He saw that two thieves are hiding in his garden. So he told loudly to his wife to hide all the valuables inside the box and then he put the box inside the well. The thieves overheard all this conversation and in the night, they tried to take out all the water from the well and in this way his garden and plants were watered. Fifth, what lesson do you learn from the story? What would you have done in Tenali Raman's situation? Aap kya lesson seekhte hai? That during any kind of mishap or any emergency, you should behave in a calm and composed way and use your intelligence and wit to overcome the situation. Alright? So with this,
We are done with the question and answers, and we are also done with the session for today. Children, I hope you enjoyed the session and you liked the story. I will meet you again with a new chapter of this book, where again we will read an interesting story. So till then, bye bye and take care all of you. Have a wonderful day ahead.